पोहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सिंधिया निष्ठ मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को मैदान में उतारा। कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा से है मुकाबला। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने भरी कसमकश के बाद एक बार फिर से सिंधिया निष्ठ वर्तमान विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को टिकट दिया है। सुरेश धाकड़ राठखेड़ा वर्ष 2018 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। 10 मार्च 2020 को उन्होंने विधानसभा के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और बीएसपी के कैलाश कुशवाहा को हराकर विधायक निर्वाचित हुए। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। इस बार फिर उनका मुकाबला बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े रहे कैलाश कुशवाहा से है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे कैलाश कुशवाहा बीजेपी के सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को कितनी चुनौती दे पाएंगे। नीति में भूचाल मचाने वाली एक सीट थी शिवपुरी विधानसभा की, पौरी विधानसभा। बड़ी उठापटकों के दौर के बाद आज 230 विधानसभा में से 228 विधानसभा सीटों पे भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कश्मकश के दौर के साथ ऊपर नीचे चलते हुए बीच में अप एंड डाउन के साथ भाजपा ने आज पुनः जो यहाँ से विधायक थे वर्तमान में मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में सुरेश राठखेड़ा पर अपना भरोसा जताया है। तो बात करते हैं कि भाजपा के भरोसा जताने के बाद क्या लगता है कि इस बार क्या नए समीकरण रहेंगे चुनावों के दृष्टिकोण से, क्या नए समीकरण रहेंगे और क्या विकास, जो विकास आपने लगातार किया है पब्लिक के साथ, क्या रुझान है आपके अभी तक पब्लिक के? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पौरी की जनता जनार्दन की पुकार हम सबके जन जन के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमारी बात को सुना और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारी बात सुनी और हम सब के लोकप्रिय जन जन के मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सब की पुकार को सुना और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमद महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी ने हमारी पुकार को सुना और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने हमारी बात को सुना और भारतीय जनता पार्टी के एक एक वरिष्ठजन ने हमको आशीर्वाद दिया। ये सुरेश राठखेड़ा का टिकट नहीं है, ये पौरी के एक एक व्यक्ति का टिकट है, के एक एक बच्चे बच्चे का टिकट है। और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिले में हम पहले नंबर पर पौरी सीट को जीत के और मोदी और महाराज की झोली में हम डालेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी की झोली में, और संगठन को हम जिता के देंगे। लगातार दो चुनावों में आपकी जीत दर्ज हुई है, इससे पहले कांग्रेस से, उसके बाद महाराज के साथ आपने बीजेपी से भी चुनाव लड़ा और उससे बहुत कई गुना जीत, बड़ी संख्या में आपने जीत दर्ज की। क्या ये इस चुनाव में किस तरीके से आप चुनौतियों को सामने लग रहा है, क्या लग रहा है आपको ये चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से चुनौती बनेगी क्या आपके लिए? देखो मैं बताता हूँ, कांग्रेस तो कहीं है नहीं। उस टाइम में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तब सिंधिया जी कांग्रेस में थे और शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के थे। उस टाइम अकेले एक सिंधिया जी की दम पे मैं कांग्रेस में 8000 वोटों से चुनाव जीता था। अब तो शिव और ज्योति साथ साथ है और जब दोनों साथ हुए तो मैं 24,023 वोट से चुनाव जीता। इस बार मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि वो जोड़ी पुनः मेरे क्षेत्र में आएंगे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और इस बार हम 30,000 को पार करेंगे। ऐतिहासिक जीत हम पूरी से करके उन दोनों की झोली में हम डालेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री सुरेश राठखेड़ा जी। उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के तो लग रहा है कि पिछली बार से जीत की संख्या और वोटों की संख्या कहीं ना कहीं दुगनी होती नजर आ रही है। देखेंगे चुनाव में लगातार इनके साथ। मैं अजय राज सक्सेना, पौरी।